प्यार भरी नमस्कार। खुश मौज मस्ती, आगे बढ़ने की प्रेरणा, समझ आ रहा है? कल का लेसन समझ आया? थोड़ा डिफिकल्ट था। नहीं समझ आया? फिर से सुनो। कोई बात नहीं, 2 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, महीना लगाओ। लेकिन समझो, समझने पड़ेंगे सारे लेसन। तीन शरीर, भौतिक शरीर जिसे हम छू सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं। भौतिक शरीर बनता है भूमि और जल से, और भूमि और जल के ही इस शरीर में गुण हैं। भौतिक शरीर में भूमि का समाना, जो कुछ भूमि को दो समा लेती है अपने भीतर, और सहनशीलता। क्या कहते हैं, भूमि जैसी सहन शक्ति हर किसी में हो नहीं सकती। तो हमारे भीतर ये गुण है भूमि के रूप में विद्यमान। एक तो समाना, हर चीज को समा लेती है, और एक सहनशीलता। और जल का गुण है शीतलता, और जिसके अंदर डालो उसका आकार ले लेता है। चौड़े मुंह के बर्तन में डालो उसका आकार ले लेगा, ऊंचे मुंह के बर्तन में डालो उसका आकार ले लेगा, फर्श पे डालो फर्श का आकार ले लेगा, दाल में डालो दाल का रूप ले लेगा, अपना रूप खत्म कर देगा। आटे में डालो आटे का रूप ले लेगा, अपना रूप खत्म कर देगा। और कितना ही गर्म करके रखो और नीचे रखोगे फिर शीतल हो जाएगा। ये उसका गुण है, हमेशा गर्म नहीं रह सकता जल। तो हमारे भौतिक शरीर में पृथ्वी और जल तत्व से भौतिक शरीर का निर्माण, तो वो है आगे, सबसे फ्रंट में है भौतिक शरीर। उसके पीछे है अंतर में, जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे दिव्य दृष्टि द्वारा देख सकते हैं। वो है वायु और अग्नि का बना हुआ शरीर। वायु और अग्नि से निर्मित शरीर, उसे कहेंगे सूक्ष्म शरीर, आत्मा का शरीर। कई बार सीरियल वगैरह देखते हो, सफेद सफेद शरीर जा रहा है। सीरियल वगैरह में जब आत्मा जा रही है तो क्या देखते हो, सफेद सफेद एक शरीर, एक छाया का शरीर जा रहा है। वो हो गया किसका, वायु और अग्नि। ज्योत रोज रोज ज्योत की बात होती है ना, अपनी आत्म ज्योत परमात्म ज्योत से जलाओ, उड़ के ऊपर पहुंच जाओ। इस शरीर से, देह से निकल के उड़ के चांद तारों के पार उस वर्ल्ड में चले जाओ। तो उस वर्ल्ड में कौन सा शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर, आत्मा का शरीर, जो वायु और अग्नि से बना हुआ है।
दो शरीर हो गए। पहला, कोई भी पूछे, पहला भूमि और जल से बना हुआ, दूसरा अग्नि और वायु से बना हुआ, और तीसरा जो कल बात हो रही थी कारण शरीर की, वो है गगन से बना हुआ, आकाश से बना हुआ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। जब अपना उद्देश्य रखोगे कुछ सीखने का, कुछ समझने का, जब दिमाग चलेगा चलेगा तो दिमाग खुलेगा भी। आगे की पढ़ाई तो पढ़नी है ना। तो तीसरा है आकाश का, शून्य का शरीर, गगन का शरीर, महाचेतना का शरीर, उसे कहेंगे कारण शरीर। और उसको कैसे देखना है, मिल तो गया। ये समझो आगे का हो गया, ये स्थूल शरीर, ये शरीर स्थूल शरीर जो भूमि और जल से बना है, उसके पीछे ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये बना अग्नि और वायु से, ये सेकंड, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। अब ये हो गई थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर, फिर उसके पीछे सेकंड लेयर, फिर उसके पीछे थर्ड लेयर। वो थर्ड लेयर है आकाश तत्व की। अब जब आप आकाश तत्व इमेजिन करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को हटा दो, दिमाग से जो आप फर्स्ट लेयर देखते हो और सेकंड। अभी तक तो आपको फर्स्ट लेयर हटाने की बात की जाती थी कि किसको देखो, आत्म तत्व को देखो, उसमें आपको फर्स्ट लेयर स्थूल शरीर को भूलना था। अभी परसों चौथे डिंपल ने बोला ना कि अब मेरा शरीर सुन्न होने लगा है, जब मैं ध्यान में बैठती हूं तो ये मेरा स्थूल शरीर सुन्न होने लगा है। सुन्न होने लगा है का मतलब डिंपल ने अपने सूक्ष्म शरीर को ज्यादा हाईलाइट किया। ज्यादा ध्यान किस पर एकाग्र किया, सूक्ष्म शरीर पर जो वायु और अग्नि से बना हुआ है, और अपना ध्यान उससे डिस्कनेक्ट किया जो स्थूल शरीर है। जब मैं इससे अपना ध्यान हटा लूंगी फर्स्ट लेयर से और पूरा ध्यान सेकंड लेयर पर एकाग्र कर दूंगी तो फर्स्ट लेयर सुन होने लगेगा ना। वहां से मैंने अपना ध्यान खींच लिया, जो स्थूल शरीर है वहां से मैंने अपना ध्यान हटाया, जो विचारों का शरीर है उससे ध्यान हटाया। विचार किस में चलते हैं, फर्स्ट में, स्थूल में। क्या बनाया, क्या खाया, कौन आया, कौन गया, ये फर्स्ट शरीर में चलता है, स्थूल शरीर में चलता है ये विचार। और जब आपने मेहनत करके विचारों पर कंट्रोल करना शुरू किया और पूरा ध्यान आत्मा पर एकाग्र करना शुरू किया, धीरे धीरे आपने ये अभ्यास बढ़ाया तो आपका ध्यान स्थूल शरीर से हटने लगा, विचार के शरीर से हटने लगा। जब आपका ध्यान वहां से हटा तो आपका स्थूल शरीर सुन सुन होने लगा, आपको लगने लगा मैं उड़ने लगी हूं,
मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। वो जो उड़ने वाली स्थिति लगती है, ये स्थूल शरीर हल्का होने लगा है, तब समझ लेना आप किसको फोकस कर रहे हो, सूक्ष्म शरीर को, आत्मा के शरीर को। अब आप किससे कनेक्ट हो गए हो, वायु और अग्नि से, ठीक है। अब जो कारण शरीर में जाना है, वो आप भूमि भी छोड़ रहे हो, जल भी छोड़ रहे हो, अग्नि भी छोड़ रहे हो, वायु भी छोड़ रहे हो, फर्स्ट लेयर भी छोड़ रहे हो और सेकंड लेयर भी छोड़ रहे हो। अब आप थर्ड लेयर को फोकस कर रहे हो, और वो थर्ड लेयर है आकाश तत्व। जब स्थूल से सूक्ष्म में आए हो ना, स्थूल से सूक्ष्म में आने की प्रैक्टिस की है ना, तो सूक्ष्म से कारण में आने की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या है कारण शरीर, क्या है वो, शून्य की स्थिति है, जिसने जिसमें इतने दिन से सुन रहे थे ना, ना मेरा ना तेरा, ना अपना ना पराया, ना लाभ ना हानि, ना मान ना अपमान, ना खोना ना पाना, जहां सिर्फ शून्य ही शून्य है, जहां सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति है, वो है आकाश तत्व। सजगता का तत्व, अवेकनिंग का तत्व, जहां जाग जाते हो, जहां स्वयं से मिल लेते हो। स्थूल शरीर में रहते हो तो स्वयं से नहीं मिलते हो, हर समय कौन आया कौन गया, किसको नफा लगा किसको नुकसान लगा, किसको बिजनेस में ज्यादा फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, क्या बस यही उधेड़ बुन सारा दिन, वर्षों वर्ष इसी बात में निकल जाते हैं, यही बातें करते करते, और उसमें प्राप्ति कुछ भी नहीं। नहीं पूछोगे क्या बनाया क्या खाया, चलते आ रहे हो, खाना ही तो है, भोजन ही तो करना है, तो उसमें क्या सोचना इतना ज्यादा कि सारा दिन भोजन में ही समय निकल जाए। तो ये जब स्थूल में रहते थे तो स्थूल की बात करते थे, और जब ज्यादा समय सूक्ष्म में रहने लगे हैं तो सूक्ष्मता की बात करने लगे हैं, ज्ञान की बात करने लगे हैं, समझ की बात करने लगे। अब वो बातें करना वेस्ट लगता है, टाइम की वेस्टेज लगती है, ये तो यही बात करते रहेंगे, उठो यहां से, यहां तो 2-4 घंटे भी बैठेंगे ना, इनके पास यही बात रहनी है, कोई फायदा नहीं है यहाँ टाइम खराब करने का, चलो यहां से अपनी अपना मंथन अपना चिंतन करते हैं, वहां से हट जाते हैं, वो रुचि नहीं लगती, यानी मेरा स्थूल शरीर से कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने लगा है, अब मैं सूक्ष्मता में आने लगा हूं। और जो ये आकाश का शरीर है, ये सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, गुड में बेटर और बेटर में बेस्ट, गुड थे बेटर हुए और बेटर में अब क्या दी बेस्ट। तो सूक्ष्म और सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म, ठीक है। वो क्या, अब दो लेयर हटाओ,
अब सिर्फ तीसरी लेयर पर ध्यान एकाग्र कर, और साथ में ये भी कहो, मेरा आकाश का शरीर जागृत हो, एक घर के कपड़े पहनते हो, घरेलू से लगते हो, एक ऑफिस के कपड़े पहनते हो, ऑफिस वाले लगते हो आप ही, और एक ब्याह शादी पार्टी के कपड़े पहनो। जब पार्टी के कपड़े पहने तो घरेलू भी भूल गए, ऑफिस को भी भूल गए, आप कैसा लग रहा है? मैंने तो पार्टी के कपड़े पहने हुए हैं। अब पार्टी की शान, पार्टी की शौकत, अब घरेलू पना भी भूल गया, अब ऑफिस भी भूल गया, अब याद है तो क्या याद है? पार्टी। पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी के कपड़े पहने हुए हैं, पार्टी पार्टी पार्टी। एक ही बंदे ने तीन रूप बदले, घरेलू से ऑफिस वाला बना, ऑफिस वाले से वो पार्टी वाला बना, तो रूप बदल। क्या बन जाओ? आकाश तत्व। अब मेरी सूक्ष्म में भी सूक्ष्म काया आकाश की काया। बाबा को बोलो, समझा तो रहे हो आकाश की काया, दिखा भी दो, थोड़ी हेल्प कर दो आकाश की काया दिखाने में। देखूंगा तो ही तो समझ पाऊंगा। आकाश की काया कैसी होती है बोलो उसको। आकाश की काया का दीदार कराओ। आपने बोला और आप थर्ड लेयर लेकर बैठ गए हो। आकाश की लेयर, ये पतली झिंझनी लेयर है। जैसे आधा पौना घंटा की बर्फ होती है जब जमाते हो फ्रिज में, पतली सी झिल्ली आती है बर्फ की, ऐसी ट्रांसपेरेंट। पूरी एकाग्रता लगाओ, पूरा दिमाग इसी चीज को देखने में लगाओ। मैं आकाश का शरीर धारण किए हुए हूं। और ये आकाश का शरीर विद्युत का शरीर, समस्त ऊर्जा का शरीर,
महाचेतना का शरीर। और परिपूर्णता का शरीर। बहुत बार आपने शब्द सुना पूर्णता से अपूर्णता से पूर्णता तक, और पूर्णता से परिपूर्णता तक पहुंचना है। एग्जाम्पल बताया था कैसे चंद्रमा की कलाएं एक-एक दिन बढ़ते हुए पूर्ण चंद्रमा तक पहुंच जाती है, पूर्णता की स्थिति तक। ऐसे ही आपको भी अपनी संपूर्ण कलाओं को धारण करते हुए परिपूर्ण बनना है। परिपूर्ण पहले से तो बदलाव महसूस कर रहे हो ना, यानी अमावस से 2 कला, 4 कला, 10 कला, कुछ तो आगे बढ़े हो। कुछ तो अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर रहे हो। जब 2, 4, 10 तक पहुंच सकते हो, तो 16 कला तक भी पहुंच सकते हो। लक्ष्मी नारायण के लिए क्या कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण। पुराने लोग किसी बात को कहते थे कि एकदम सही है 100%, तो क्या बोलते थे? 16 आना सही है ये बात, जिसको आजकल हम कहते हैं 100%। पहले के लोग कहते थे 16 आना। तो 16 कलाएं। धोबी अपने बच्चे को धोबी बनाता है, कुम्हार अपने बच्चे को कुम्हार बनाता है, सुनार अपने बच्चे को सुनार बनाता है, तो भगवान अपने बच्चों को क्या बनाता है? देवी देवता। देवी देवता किससे बनेंगे? दिव्य गुणों से और दिव्य शक्तियों से देवी देवता बनेंगे। और दिव्य गुण और शक्तियां कैसे आएंगी? वो आएंगी यथार्थ रूप की याद से। यथार्थ का यहां मतलब है
जिस विधि के द्वारा परमात्मा हमको मन और बुद्धि को एकाग्र करना सिखाते हैं, उसी विधि के द्वारा जब मन और बुद्धि एकाग्र कर लेते हैं तो गुण और शक्तियां अपने आप समाने लगती हैं। हर बार जब गहरे ध्यान में जाओगे अपने भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करोगे। जितनी बार गहरे ध्यान में जाओगे जब गहरे ध्यान में जाने के बाद जब आप उठेंगे तो अपने आप से मिलेंगे, अपने आप से मिलने का मतलब है शांति से मिलना, आनंद से मिलना, नॉलेज से मिलना। स्थिरता से मिलना, सहजता से मिलना, ठहर जाना, कोई उठापटक नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई खोना पाना नहीं। ठहर जाते हो, अपने आप से मिलना, रमता योगी बन जाते हो। दीवार गिरे, छत गिरे, ये गिरे, धरती हिले, कोई आप स्थिर हो जाते हो जब गहरे में डुबकी लगाते हो तो। एक बार 11वीं मंजिल पर जो कॉन्ट्रैक्टर था मकान बनाने वाला, उसने अपने यहाँ पार्टी रखी 11वीं मंजिल पे। सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाया पार्टी में, एक सिद्ध महात्मा को भी बुलाया। अभी पूजा पाठ आरंभ ही हुई थी, भूकंप आने लगा। सारी बिल्डिंग हिलने लगी। सब लोग भागने लगे इधर उधर इधर उधर, कोई सीढ़ियों से, कोई इससे, कोई उससे, जहां से जिसको जो मार्ग मिला। और जो सिद्ध महात्मा थे वो वहीं बैठ गए। उस गृहपति ने कहा भागो महात्मा, भागो, जान बचाओ। महात्मा तो जो के त्यों, सब भाग लिए।
जब भूकंप चला गया। सब लोग वापस लौटने लगे। गृहपति भी लौटा। उसने देखा महात्मा जो के तो वहीं बैठे हैं। उससे रहा ना गया, उसने महात्मा से पूछा, क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं थी क्या? सब भागे, आप नहीं भागे? बोला थी ना, मैं भी भागा। बोला आप भी भागे? बोले हाँ मैं भी भागा। बोला आप बाहर की तरफ भागे और मैं भीतर की तरफ भागा। भागा तो मैं भी था। भीतर महाशून्य है, महाचेतना है, महास्थिरता है भीतर। बचना है तो वहां भी बच जाओगे और मरना है तो बाहर भी मर जाओगे। बाहर जाके भी बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ भी।